दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि एमएसपी पर राकेश टिकैत ने फिर दी ट्रैक्टर रैली की धमकी, बोले दिमाग ठीक कर ले भारत सरकार, नहीं तो 26 जनवरी दूर नहीं। वहीं राकेश टिकैत बोले धोखा दे रही सरकार, ये षड्यंत्रकारी बेईमान और धोखेबाज सरकार है। वहीं महापंचायत में गरजे राकेश टिकैत, बोले आंदोलन लंबा चलेगा, इसमें अभी और कुर्बानियां होंगी। वहीं राकेश टिकैत ने किया बड़ा दावा, बोले एमएसपी पर कानून के समर्थक थे पीएम मोदी, केंद्र पर बहस से भागने का लगाया आरोप। वहीं एनडीए के सहयोगी दलों ने की मांग, कृषि कानून की तरह नागरिकता कानून भी लिया जाए वापस। वहीं सर्वदलीय बैठक के बाद बोले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, हमें डर है कहीं कृषि कानून फिर से ना आ जाए। वहीं टीटी परीक्षा हुई रद्द, यूपी सरकार पर हमलावर हुआ विपक्ष, भाजपा पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, बोले यूपी टेट का पेपर लीक कराने वालों के घर पर चलेगा बुलडोजर। वहीं यूपी चुनाव से पहले सपा, कांग्रेस और बसपा को लगा बड़ा झटका, बीजेपी में शामिल हुए पांच बड़े नेता। वहीं त्रिपुरा निकाय चुनाव में बीजेपी की हुई बंपर जीत, विपक्षी दलों का हुआ सुपड़ा साफ। वहीं एयरटेल वोडाफोन के बाद अब जियो के रिचार्ज भी हुए महंगे, 1 दिसंबर से बढ़ जाएंगे रेट। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, एमएसपी पर राकेश टिकैत ने फिर दी ट्रैक्टर रैली की धमकी, बोले दिमाग ठीक कर ले भारत सरकार, नहीं तो 26 जनवरी दूर नहीं। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार मोदी सरकार को 26 जनवरी पर ट्रैक्टर रैली निकालने की कड़ी चेतावनी दे दी है। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद अब न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर कानून की मांग करते हुए राकेश टिकैत ने सख्त लहजे में कहा कि भारत सरकार अपना दिमाग ठीक कर ले, नहीं तो 26 जनवरी दूर नहीं है। और 4 लाख ट्रैक्टर तैयार है। पिछले साल 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान राजधानी दिल्ली में हिंसा हुई थी और बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी लाल किले में दाखिल हो गए थे। मुंबई में राकेश टिकैत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भारत सरकार अब अपना दिमाग ठीक कर ले, जो गुंडागर्दी करना चाहते हैं अब उनकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। किसानों ने एक साल बहुत झेलिया, भारत सरकार अपना दिमाग ठीक करके एमएसपी पर कानूनी गारंटी बना दे, नहीं तो 26 जनवरी दूर नहीं है। 26 जनवरी भी यही है और देश का 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और देश का किसान भी यही है। राकेश टिकैत ने सरकार को कड़ी चेतावनी दे दी है कि भारत सरकार अपना दिमाग ठीक कर ले और एमएसपी पर कानूनी गारंटी देते, नहीं तो 4 लाख ट्रैक्टरों के साथ 26 जनवरी पर तगड़ा आंदोलन होगा। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले धोखा दे रही सरकार, ये षड्यंत्रकारी बेईमान और धोखेबाज सरकार है। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मांग की है कि केंद्र देश में किसानों के हितों की रक्षा के लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी के लिए एक कानून ला दे। मुंबई में संयुक्त सेतकारी कामगार मोर्चा के बैनर तले आजाद मैदान में आयोजित किसान महापंचायत में हिस्सा लेने आए राकेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमएसपी के समर्थक थे जब वो गुजरात मुख्यमंत्री थे और वो किसानों के हितों की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कानून चाहते थे। उन्होंने मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर इस मुद्दे पर बहस से भागने का भी आरोप लगाया है। किसान मजदूर महापंचायत के संबोधन के दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार धोखा कर रही है, सचेत रहने की जरूरत है, अभी सरकार बात करने की लाइन में नहीं आई है, ये सरकार षड्यंत्रकारी बेईमान और धोखेबाज है, किसान समाज और मजदूरों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र को किसानों को एमएसपी की गारंटी देने के लिए एक कानून लाना चाहिए। कृषि और श्रम क्षेत्रों से जुड़े कई मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है और हम उन्हें उजागर करने के लिए पूरे देश में यात्रा करेंगे। राकेश टिकैत ने यह भी मांग की है कि केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ साल भर के विरोध प्रदर्शन में जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को वित्तीय सहायता दी जाए। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि यह सरकार षड्यंत्रकारी बेईमान और धोखे बात सरकार है। और भी बड़ी खबर, महापंचायत में गरजे राकेश टिकैत, बोले आंदोलन लंबा चलेगा, इसमें अभी और कुर्बानियां होंगी। ये आपको बता दें कि मुंबई महापंचायत में गरजे राकेश टिकैत ने कहा कि कोरोना की बीमारी की तरह तीनों कृषि कानून भी बीमारी थे, दोनों का उद्गम एक ही साथ हुआ था, 3 कानून तो खत्म हो गए लेकिन किसानों की अभी कई बीमारियां खत्म नहीं हुई है। महापंचायत के दौरान राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि किसानों का आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन लंबा चलेगा, इसमें अभी और कुर्बानियां
कुर्बानियां होंगी। 700 किसानों की कुर्बानियां हो चुकी हैं। आप हमारी मीटिंग रोकने की कोशिश करोगे तो हम आपकी मीटिंग को रोकेंगे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार शहीद किसानों की मदद करे और शहीद किसान मोर्चा सबकी मदद करने के लिए हरदम खड़ा रहेगा। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि ये आंदोलन अभी और लंबा चलेगा। और भी बड़ी खबर है, एनडीए के सहयोगी दल ने की बड़ी मांग, कहा कृषि कानून की तरह नागरिकता कानून भी लिया जाए वापस। ये आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक में एनडीए के सहयोगी दलों ने ही सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में एनडीए के सहयोगी दल नेशनल पीपुल्स पार्टी ने नागरिकता कानून को रद्द करने की मांग की है। पार्टी की नेता अगाथा संगमा ने बैठक के बाद पीटीआई से कहा, चूंकि कृषि कानूनों को नष्ट कर दिया गया है और ये मुख्य रूप से लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया है, इसलिए मैंने उत्तर पूर्व के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार से नागरिकता कानून को रद्द करने की मांग की है। संगमा ने कहा कि हालांकि सरकार की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सरकार ने मांग पर ध्यान देने की बात जरूर कही है। उन्होंने कहा कि मैंने ये मांग अपनी पार्टी और पूर्वोत्तर के लोगों की ओर से की है। यदि आप भी चाहते हैं कि नागरिकता कानून रद्द किया जाए तो अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा ऐलान, बोले हमें डर है कहीं कृषि कानून फिर से ना आ जाए। ये आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने मांग की है कि जल्द से जल्द एमएसपी गारंटी का कानून बने, कोरोना में मारे गए करीब 52 लाख लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। हम अपेक्षा कर रहे थे कि पीएम मोदी आएंगे और कुछ नई बातें बताएंगे, लेकिन पीएम मोदी सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुए। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा था कि वो कृषि कानून वापस तो ले रहे हैं, लेकिन हम लोगों को समझा नहीं पाए, तो हमें डर है कि किसी ना किसी रूप में कृषि बिल फिर से आएगा। हम पीएम मोदी से जानना चाहते हैं कि इस पर उनका क्या कहना है। और बड़ी खबर, टीटी परीक्षा हुई रद्द, यूपी सरकार पर हमलावर हुआ विपक्ष, भाजपा पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। ये आपको बता दें कि यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने और राज्य सरकार द्वारा इसे रद्द किए जाने के बाद विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बताया है। कांग्रेस महासचिव यूपी मामलों की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि भर्तियों में भ्रष्टाचार पेपर आउट ही भाजपा सरकार की पहचान बन चुका है। आज यूपी टीटी का पेपर आउट होने की वजह से लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फिर गया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि हर बार पेपर आउट होने पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने भ्रष्टाचार में शामिल बड़ी मछलियों को बचाया है, इसलिए भ्रष्टाचार चरम पर है। सपा प्रमुख और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की टीटी 2021 की परीक्षा का पेपर लीक होने की वजह से रद्द होना 20 लाख बेरोजगार अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। भाजपा सरकार में पेपर लीक होना, परीक्षा व परिणाम रद्द होना ये आम बात है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यूपी शिक्षा भ्रष्टाचार के चरम पर है। अखिलेश यादव ने कहा कि बेरोजगारों का इंकलाब होगा और 2022 में बदलाव होकर रहेगा। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए सख्त आदेश, बोले यूपी टीटी का पेपर लीक कराने वालों के घर पर चलेगा बुलडोजर। ये आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि टीटी का पर्चा लीक कराने वालों के घर पर बुलडोजर चलेगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, सभी लोगों पर गैंगस्टर की कार्यवाही होगी। अब तक 23 लोग पकड़े गए हैं, जो फरार हैं उन्हें भी गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि टीटी की परीक्षा 1 माह के भीतर दोबारा कराई जाएगी, अभ्यर्थियों को कोई भी परेशानी ना हो इसके लिए सभी जिला प्रशासन को सख्त आदेश दे दिए गए हैं। अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड दिखाकर रोडवेज की बसों में बिल्कुल फ्री यात्रा कर सकते हैं। रोडवेज को इसके सख्त आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने माफिया का जिक्र करते हुए विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में ये सरपरस्त हुआ करते थे, आज इनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है तो कुछ लोगों को बुरा लग रहा है। उन्होंने कहा कि सपा बसपा की सरकार में आए दिन दंगे होते थे, पर अब ऐसा नहीं होता। पिछले 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। और ये बड़ी खबर, कृषि कानूनों पर आज किसानों को मिलेगी आधिकारिक जीत, आज संसद में पेश होगा कृषि कानून वापसी का बिल। ये आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। दरअसल केंद्र सरकार केंद्र कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी बिल संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही पेश करेगी। ऐसे में बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है, वहीं कांग्रेस ने भी व्हिप जारी किया है। आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों से ये बिल पारित होने के बाद
यह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास जाएगा और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के बाद ये कानून वापस ले लिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, यूपी चुनाव से पहले सपा बसपा और कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका, बीजेपी में शामिल हुए 5 बड़े नेता। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया है। इन तीनों पार्टियों के 4 बड़े नेता और एक रिटायर्ड IAS अधिकारी आज बीजेपी में शामिल हो गए। इससे चुनाव के पहले बीजेपी और ज्यादा मजबूत हो गई है। बता दें कि आज पूर्व मंत्री जय नारायण तिवारी, पूर्व मंत्री विजय मिश्रा, BSP के मनोज दिवाकर, पूर्व विधायक राम श्रोमणी शुक्ला और रिटायर्ड IAS बीजेपी में शामिल हो गए। यूपी के राजधानी लखनऊ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इन्हें बीजेपी की सदस्यता दिला दी। अगली बड़ी खबर, त्रिपुरा निकाय चुनाव में बीजेपी की हुई बंपर जीत, विपक्षी दलों ने किया सुपड़ा साफ, अगरतला की सभी 51 सीटों पर बीजेपी ने किया कब्जा। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा निकाय चुनाव में विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया है। अगरतला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सहित 14 अर्बन बॉडीज में हुए चुनाव में बीजेपी ने कुल 334 वार्ड में से 329 पर कब्जा जमा लिया है। अगरतला में तो सभी 51 सीटों पर बीजेपी ने बंपर जीत हासिल की है। कुल 334 सीटों में से 222 पर 25 नवंबर को मतदान हुआ था, जिसमें 81.54% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। कुल 222 में से 217 सीटों पर बीजेपी ने बंपर जीत हासिल की है, जबकि 112 पर उसके प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा निकाय चुनाव में विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया है। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव का बड़ा ऐलान, बोले आजम खान भी चाहते हैं कि समाजवादी परिवार एक हो जाए। ये आपको बता दें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री शिवपाल यादव सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान से मुलाकात करने पहुंचे। दोनों की मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। मुलाकात के बाद शिवपाल यादव ने कहा कि आजम खान भी चाहते हैं कि पूरा समाजवादी परिवार एक हो जाए। फरवरी 2020 से जेल में बंद आजम खान से मिलकर लौटने बाद शिवपाल यादव ने कहा वो लंबे समय से आजम खान से मुलाकात करने के लिए प्रयासरत थे, लेकिन प्रदेश सरकार इस बात की अनुमति नहीं दे रही थी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी से अभी उनका गठबंधन नहीं हुआ है, गठबंधन में इतनी देर होना भी एक रणनीति का हिस्सा है। शिवपाल यादव ने आजम खान पर भाजपा सरकार में दर्ज किए गए मुकदमों को गलत और बदले की भावना से की गई कार्यवाही बताया है। उन्होंने कहा कि किस तरीके से लोगों से पैसे जुटाकर आजम खान ने जौहर विश्वविद्यालय किया, लेकिन राजनीति के चलते भाजपा ने उसे तहस नहस कर दिया। आपको बता दें कि शिवपाल यादव ने ऐलान कर दिया है कि आजम खान भी चाहते हैं कि पूरा समाजवादी परिवार एक होकर चुनाव लड़े और भाजपा को हराए। अगली बड़ी खबर, सुखबीर सिंह बादल का बड़ा ऐलान, बोले वादे निभाने में असफल रही कांग्रेस और लोगों को आम आदमी पार्टी पर भरोसा नहीं। ये आपको बता दें कि श्रोमणी अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने दावा किया है कि अपने चुनावी वादों से मुकर जाने के कारण सत्तारूढ़ कांग्रेस के खिलाफ पंजाब में सत्ता विरोधी मजबूत लहर है और लोग आम आदमी पार्टी पर भरोसा नहीं करते हैं तथा राज्य विधानसभा चुनाव में दोनों दलों का सफाया हो जाएगा। श्रोमणी अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नीपारा स्वयं को आम आदमी दिखाने की कोशिश करके नाटक करने का आरोप लगाया है। श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष ने कहा कि पंजाब के लोग जानते हैं कि केवल उनका ही दल अपने वादों को निभाता है। उन्होंने दावा किया है कि राज्य का विकास कांग्रेस के पिछले 4.5 साल के शासन में रुका हुआ है। बादल ने कई विधानसभा क्षेत्रों के अपने दौरों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के खिलाफ सत्ता विरोधी मजबूत लहर है, लोग इस सरकार से तंग आ चुके हैं। बादल ने कहा कि कांग्रेस किसानों का पूरा कर्जा माफ किए जाने समेत अपने चुनावी वादों से मुकर गई। उन्होंने कहा कि करीब 5 साल से कोई मुख्यमंत्री नहीं है, कांग्रेस ने लोगों को धोखा दिया है और उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि चुनावी वादों से मुकर जाने के कारण सत्तारूढ़ कांग्रेस के खिलाफ पंजाब में सत्ता विरोधी मजबूत लहर है और लोग आम आदमी पार्टी पर भरोसा नहीं करते। अगली बड़ी खबर, यूपी में बनेगी किसकी सरकार, कौन है मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद, सी वोटर सर्वे में बड़ा खुलासा। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया गया। ABP न्यूज सी वोटर के स्नैप पोल के दौरान उत्तर प्रदेश में 61% जनता ने कहा कि किसान कानून वापस लेने से राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, तो वहीं 39% लोगों का मानना है कि इस फैसले के बाद भी बीजेपी को कोई भी फायदा नहीं होगा।
आखिर यूपी की जनता इस बार कमान किसके हाथों में सौंपेगी? इस सवाल को लेकर जब एबीपी न्यूज सी वोटर की टीम लोगों के पास पहुंची तो मुख्यमंत्री की पसंद को लेकर अहम आंकड़े सामने आए। इसमें जनता ने बताया कि वे किसे यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। आपको बता दें कि यूपी की 43% जनता योगी आदित्यनाथ को चाहती है, अखिलेश यादव को 32%, मायावती को 15% और प्रियंका गांधी को मात्र 4%, यानी योगी आदित्यनाथ को चाहने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में वोटरों की बात करें तो सी वोटर के सर्वे में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को मिलता दिख रहा है। सी वोटर के सर्वे में बीजेपी को 40% वोट मिलेंगे तो वहीं समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों को 32% वोट मिलता दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर भाजपा की सरकार बनती दिख रही है। आपको बता दें कि सी वोटर सर्वे ने खुलासा किया है कि इस बार यूपी की जनता फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार चाहती है। इस बारे में आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर तीखा वार, पूछा क्या कांग्रेस बहन जी या बबुआ बनवा पाते राम मंदिर। ये आपको बता दें कि जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे उत्तर प्रदेश का सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विपक्ष पर हमलावर है। मुख्यमंत्री योगी ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री योगी ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सांसद खेल स्पर्धा के समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती और कांग्रेस पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को बबुआ और मायावती को बहन जी कहकर संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी ने सपा बसपा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, अयोध्या जी में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, क्या ये मंदिर कांग्रेस बहन जी या बबुआ बनवा पाते? उनकी हिम्मत ही नहीं थी। आज भी ये जब कभी मंदिर में जाते हैं तब 10 बार सोचते हैं कि जाएं कि ना जाएं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि दोहरे चरित्र और गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले विपक्ष के बहकावे में मत आइएगा। ये लोग चुपचाप वैक्सीन ले लेते हैं और कहते हैं कि हमने वैक्सीन नहीं ली। जनता से अपील है कि सभी पात्र लोग वैक्सीन अवश्य लें, किसी के बहकावे में ना आए। अगली बड़ी खबर, एयरटेल वोडाफोन के बाद अब जियो के रिचार्ज भी हुए महंगे, 1 दिसंबर से बढ़ जाएंगे रेट। ये आपको बता दें कि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के बाद देश की सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेट कंपनी रिलायंस जियो भी अपने मोबाइल रिचार्ज प्लान को महंगा करने जा रही है। रविवार को कंपनी ने ऐलान किया है कि अगले महीने 1 दिसंबर से उनके प्रीपेड रिचार्ज प्लान में 21% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। रिलायंस जियो का 555 रुपए वाला प्लान अब महंगा होकर 666 रुपए का हो जाएगा। इसके अलावा 599 रुपए वाला प्लान अगले महीने से 719 रुपए का होगा। हालांकि प्लान की कीमतें जरूर बढ़ जाएंगी लेकिन वैलिडिटी पहले की तरह ही इन दोनों प्लानों में 84 दिनों की रहेगी। कंपनी ने अपने बयान में बताया कि 1 दिसंबर 2021 से जियो का 75 रुपए वाला प्लान अब 91 रुपए का हो जाएगा, यानी कि सभी रिचार्ज प्लान पर 21% की बढ़ोतरी हो जाएगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए और MSP पर कानूनी गारंटी मिले तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।